बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरणे की जय, रज रानी की जय, रस रानी की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, जगद्गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने अपने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बदलाओ जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए और मैं सीता जी के वियोग में दुख बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपकी बुद्धि एवं शुद्ध और पवित्र है और यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आप यह प्रश्न अलौकिक और लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा दुखों से छुटकारा मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं और अतः यह व्रत दुखों मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, दुख समाप्त हो जाते हैं। इससे मनुष्य को सब पापों से दुख का नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर दयोत्मान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनवान नामक धनपाल एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ कुआ, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के पांच पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सकृति और धृतबुद्धि। इनमें धृतबुद्धि नाम वाला पांचवा पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, माद्य मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा और जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्य और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था तो कि कौंडिन्य ऋषि ने के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे और उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ते ही उसके कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं, आप धन और पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए।
उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त देवताओं और असुरों में अधम पापी मच गई, आपाधापी मच गई, असुर देवताओं से भी अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभादीश की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान, फल दान, तिल दान अथवा पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन या एकादशी व्रत उद्यापन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु आप नगद राशि धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को सफल बना सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञान वर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री राम।